मारुति सुजुकी की बलिनो, एक ऐसी गाड़ी जिसने इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बना रखी है। ये पहचान शायद इसीलिए भी बना रखी है क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको गाड़ी के अंदर कई तरीके के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब ठीक ठाक सा एवरेज देखने के लिए मिल जाता है, और गाड़ी की जो मतलब मेंटेनेंस है काफी हद तक अंडर बजट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और आपने थोड़ा सा ही नोटिस करा होगा, जैसे ही आप रोड पे निकलते हैं हर दूसरी गाड़ी आपको बलिनो देखने के लिए मिल जाती है। मतलब गाड़ी जब से 2015 से लॉन्च हुई है, गाड़ी ने ताबड़तोड़ तरीके से सेल्स जो है उसकी काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई रही है, और धीरे धीरे जो गाड़ी की डिमांड है मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो भाई मारुति ने भी सोचा कि जब भाई इतनी कंपनियां आगे आ रही है अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है इतने ही दाम पे, इतने ही प्राइसिंग रेंज में, तो उनका भी बनता है कि भाई जो गाड़ी का एक फेसलिफ्ट वर्जन है उसको लॉन्च करा जाए। तो भाई कंपनी ने डिसाइड किया जो गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है वो अगले साल 2022 के अंदर मार्च में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ चीजें चेंज देखने के लिए मिल जाएगी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले मैं ये बता देता हूं जो गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि आने वाला 2022 की मार्च में वो आपको किस प्राइसिंग रेंज पे देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी की वो आपको 6.5 लाख से स्टार्ट होकर जो गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको 9.5 लाख रुपए तक का देखने के लिए मिल जाता है। अगर भाई गाड़ी के आप टॉप एंड वेरिएंट पर जाते हैं तो एटलीस्ट आपको 9.5 लाख रुपए तो भाई खर्च करने ही पड़ेंगे। तो बात हो गई लॉन्च और प्राइसिंग रेंज के बारे में, अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के अंदर क्या कुछ चीजें चेंज देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो गाड़ी का मॉडल है जो लॉन्च होने वाला है एक फेस लिफ्ट मॉडल है। गाड़ी का कोई नेक्स्ट जनरेशन मॉडल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि भाई जो गाड़ी है सेम प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलेगी, बट गाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस, इंटीरियर में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, स्टीयरिंग में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। मारुति सुजुकी का जो फेसलिफ्टेड वर्जन आने वाला 2022 में उसके जो स्पाई शॉट्स है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। अगर स्पाई शॉट्स की माने और सारी स्पेकुलेशन की माने तो भाई गाड़ी के अंदर आपको न्यू इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीटली नया इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। साइज आपको 7 इंचेस का ही देखने के लिए मिलेगा, बट गाड़ी के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें और ज्यादा आपको एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, स्मार्ट प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर का जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का एरिया है वो कंपनी पूरी तरह से चेंज कर सकती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत बात है क्योंकि अभी करेंटली जो हमारे पास बलिनो अवेलेबल है उसका जो मतलब डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एरिया है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा फैंसी लगता है देखने में, काफी ज्यादा अग्रेसिव लगता है देखने में। बाकी गाड़ी के अंदर आपको भाई एक बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया फीचर गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है जो कि है क्रूज कंट्रोल मोड। बहुत टाइम से भाई लोग थे जो सोच रहे थे भाई गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल मोड मिल जाए तो फिर क्या ही मजा है, तो भाई उनकी मेरे हिसाब से ऊपर वाले ने सुन लिया, गाड़ी के अंदर कंपनी ने क्रूज कंट्रोल मोड दे दिया। आगे गाड़ी के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स है कि रेयर में भी एसी वेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी कंपनी ने ऐसी कोई चीजें कंफर्मेशन नहीं दी अभी तक, लेकिन शायद आपको गाड़ी के रेयर में भी एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाए। गाड़ी के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में कोई चीजें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ एक लाइट कंपनी ने चेंज कर दी है, जो लाइट ब्लू कलर की आती थी अब वो आपको व्हाइट कलर की देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि स्विफ्ट में और कई ऐसी गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है। और बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में, अगर गाड़ी को आप सामने से देखेंगे और स्पाई शॉट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तब आपको थोड़ा सा भाई पता लग पाएगा कि जो कंपनी है उसने पूरी तरह से गाड़ी की जो ग्रिलिंग है वो पूरी तरह से चेंज कर दी है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको एलईडी डीआरएल हेडलाइट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, टेल में भी आपको एलईडी डीआरएल देखने के लिए मिल जाएंगे, उनके अंदर कोई चेंजमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बाकी गाड़ी का जो फ्रंट का थोड़ा सा ग्रिल का साइज है वो आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने के लिए मिल सकता है। वहीं बात कर लेते गाड़ी के इंजन के बारे में, 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 82 बीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगी। गाड़ी आपको 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। बाकी भाई गाड़ी के अंदर जो नॉर्मल फीचर आते हैं वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, जैसे कि मल्टी स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, लाइव ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम, वॉइस कमांड कंट्रोल, इस तरह के जो मतलब करंटली हमारे पास बेसिक से फीचर्स अवेलेबल है इस टाइम पे बलिनो के अंदर वो आपको उस गाड़ी में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब फेसलिफ्ट वर्जन से आप इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आउटर में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा, इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी भाई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो कंपनी इतना सब कुछ चेंजमेंट नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से कंपनी को इस टाइम पे आके थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा सा लॉन्च कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत टाइम से कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं करा है। आपको क्या लगता है कि भाई ये जो फेसलिफ्टेड वर्जन कंपनी निकालने वाली है किस हद तक सही है, क्या कंपनी को अपना नेक्स्ट जनरेशन मॉडल इस टाइम पे निकालना चाहिए था या नहीं निकालना चाहिए था? कमेंट सेक्शन भाई खुला हुआ है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के डालना, ताकि हमें भी पता लगे कि भाई आप क्या सोचते हैं बलिनो के बारे में। बाकी भाई जब गाड़ी की डेट थोड़ा सा पास आ जाएगी, जितने भी स्पाई शॉट थोड़ा सा रिवील होते रहेंगे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए तो भाई आपको चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी कोई गाड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज आए वो आपको पहले से ही पता लग जाए। चलिए भाई इस वीडियो के साइड में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताना।
चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।